नमस्कार। एमए फाइनल की कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे भाषा की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत, अर्थात भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में भाषा वैज्ञानिकों में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। उनके आधार पर कुछ सिद्धांत तय किए गए हैं और उन सिद्धांतों में कब सबसे पहले हमने पढ़ा था देवी उत्पत्ति सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है संकेत सिद्धांत, एग्रीमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत को निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद आदि कई नामों से पुकारा गया, यानी कभी निर्णयवाद कहा गया, कभी निर्णय। इस मत के प्रवर्तक 18वीं सदी में प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रूसो हैं, जीन जैक्स रूसो जिनका नाम है, राजनीतिक शास्त्र में भी इनका जिक्र आता है, वो इस मत के प्रवर्तक हैं। इस मत के प्रवर्तक जो हैं उनका अभिप्राय है कि आरंभ में सबसे पहले जब इस सृष्टि पे, इस धरती पे मनुष्य आया था तो उसने पशु आदि के समान सिर हिलाना सीखा होगा, या वह आंगिक संकेतों से अपना अभिप्राय स्पष्ट करता था, इशारों से बात करता था, जैसे पशु करते हैं ना, सिर हिला करके, कभी बाएं दाएं करके। बाद में इन संकेतों से काम नहीं चला, जब समय बीता धीरे धीरे तो इन संकेतों से काम नहीं चला तो उन्होंने एक सभा की, इकट्ठे हुए होंगे बहुत सारे मनुष्य, और निर्णय लिया कि इन वस्तुओं के, यानी जो जो चीज़ें उनके दैनिक जीवन में या रोज़मर्रा के जीवन में जो काम आने वाले चीज़ें थे, उन चीज़ों को सामने रखा होगा और ये तय किया कि इन वस्तुओं के ये नाम निर्धारित किए जाते हैं और भविष्य में इनके लिए ये शब्द होगा, ये इनका नाम होगा और इस नाम का या इस शब्द का ये अर्थ होगा। इसको सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान में भी सामाजिक समझौता सिद्धांत आता है, इसको भी यहाँ सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा गया, यानी कुछ समझौता हुआ बहुत सारे लोगों के बीच, या सब लोगों के बीच बैठ करके, अधिकांश लोगों के बीच बैठ करके एक समझौता हुआ कि हम कुछ ध्वनियों का जो है, कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ ध्वनियाँ रख ली जाएँ और उनका उसके अर्थ के साथ संबंध जोड़ दिया जाए। इस समझौते से ध्वनियात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ ध्वनियाँ निकली होंगी, जैसे चिल्लाना, हंसना, रोना, सिसकाना, धीरे धीरे ये संकेत शुरू हुए और फिर संकेतों से भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। ये इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है, विशेष रूप से रूसो का। अब इस सिद्धांत की समीक्षा की जाए। इस सिद्धांत की कुछ स्पष्ट न्यूनताएं हैं, इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं जिनकी हम बात करेंगे। कि पहला तो रूसो ये कहते हैं कि एक भाषा ने एक सभा का आयोजन हुआ होगा, तो यहां सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि बिना भाषा के सभा का आयोजन कैसे हुआ, कैसे पता लगा ये कि उस जगह सभा हो रही है, उस आदमी को बुलाया जाए, अमुक को बुलाया जाए, अमुक को नहीं बुलाया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि भाषा ही नहीं थी तो सभा का आयोजन कैसे करवाया गया, कौन बुला होगा सबसे पहले। दूसरी बात, भाषा नहीं थी, चलो मान लीजिए इशारों से आदमी इकट्ठे कर लिए गए, संकेतों से या इशारों से, कुछ ध्वनियों से आदमी एकत्रित कर लिए गए, फिर भाषा थी ही नहीं तो विचार विनिमय कैसे हुआ, क्या सिर हिला करके विचार विनिमय हुआ। विचार विनिमय की भाषा क्या थी, आपस में परस्पर जो नाम तय किए गए उस समय क्या भाषा के द्वारा, कौन सी भाषा थी जिससे वस्तुओं के नाम तय किए। अगली बात यहाँ उठती है वो ये है कि विभिन्न अर्थों के लिए ऐसे शब्दों के निर्माण के लिए आधार क्या था, कौन सा आधार होगा कि इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, बहने वाला ये होगा, चलने वाला ये होगा, स्थिर रहने वाली चीज़ ये होगी, क्या आधार था। व्यक्ति विशेष के कथन को सर्वसम्मत मान लिया गया या सब ने अपने अपने सुझाव दिए, भाई किसी एक व्यक्ति ने कहा और सब ने मान लिया, या सब ने अपने सुझाव दिए, सुझाव दिए तो किस भाषा में दिए, और अंतिम निर्णय की प्रणाली क्या थी। जैसे लोकतंत्र में अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, राजतंत्र में अंतिम निर्णय राजा का होता है, तो यहाँ अंतिम निर्णय का आधार क्या था। अगली बात उठती है कि यदि भाषा के बिना सभा का आयोजन, संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है, तो फिर भाषा की आवश्यकता क्या थी। अगर काम चल ही रहा था कि बिना ही भाषा के आयोजन कर लिया गया, बिना भाषा के लोग बुला लिए गए, बिना भाषा के सब पुस्तक हो गया, तो फिर भाषा की आवश्यकता कहाँ रह जाती है, तो काम चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ। और अगली बात है कि भाषा के बिना का सभा का आयोजन, विचार विनिमय, निर्णय आदि कार्य संभव है, ये जचने वाली बात नहीं है।
अतः ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, इस सिद्धांत को दरकिनार कर दिया गया। अगला सिद्धांत था रणन सिद्धांत, डिंग डोंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, रणन डिंग डोंग थ्योरी। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरणन मूलकतावाद, अनुकरणात्मक अनुकरण, डिंग डोंग वाद आदि नाम से पुकारा गया। इस मत के जो मूल प्रवर्तक थे वो थे मूल प्लेटो, मूल इसके प्रवर्तक थे वो थे प्लेटो। इसको हेस ने आगे बढ़ाया, हेस जो थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आगे चल करके मैक्स मुलर, जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मुलर ने इसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस मत के मानने वालों का था कहना कि शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है और ये संबंध अलौकिक है, तो फिर तो ये देवी से जुड़ता है। इस मत का कथन है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है कि किसी भी वस्तु पर चोट मारने से एक ध्वनि, विशेष ध्वनि या टंकार या झंकार उत्पन्न होती है और ये ध्वनि ही उसकी विशेषता है कि इस चोट का ही अर्थ है। जो आवाज़ निकलेगी वह आवाज़ वह ध्वनि ही उसका अर्थ अपने आप प्रकट कर देगी। लोहा टिन लकड़ी का लकड़ी आदि पर चोट मारने पर विशेष ध्वनि निकलती है, हर एक की अलग अलग निकलेगी, लकड़ी पे अलग निकलेगी, लोहे पे अलग निकलेगी, पीतल पे अलग निकलेगी, इसको रणन कहा जाता है। वो कहते हैं यही ध्वनि रणन है, यही उस वस्तु की पहचान है। यानी हम खाले पीपे के ऊपर बजाएंगे, कोई चोट करेंगे तो जो आवाज़ निकलेगी उसके आधार पर हम कहेंगे ये पीपा है। इस टेबल पे कोई आवाज़ आएगी तो हम कहेंगे ये टेबल है। इसी आधार पर लोहा कांच लकड़ी और लोहा लकड़ी और कांच आदि मंत्र किया जाता है आवाज़ के आधार पर कि ये कांच है ये लोहा है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु को देखकर मानव मस्तिष्क में झंकार हुई। इस मत के मानने वालों का कहना है कि जो ही सृष्टि का निर्माण हुआ तो मनुष्य ने जिस चीज़ को देखा उस चीज़ को देखते ही उसके मन में एक ध्वनि एक झंकार पैदा हुई और जो झंकार पैदा हुई जो ध्वनि पैदा हुई उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया और वस्तु के नाम अलग अलग हो गए। वस्तु का नाम रखने के बाद मानव की ये विशेष शक्ति समाप्त हो गई, वह भूल गया सब कुछ, पुरानी वस्तुओं से ही बाद में नए शब्दों की रचना हुई, जो पुरानी वस्तुएं थी उनसे फिर नए शब्द बन गए और इस प्रकार भाषा का विकास होता गया। अब करेंगे इसकी समीक्षा। ये सिद्धांत विचार करने पर इतना सदोष था कि स्वयं मैक्स मुलर ने इसको बाद में छोड़ दिया, ये सिद्धांत हीन था व्यर्थ था, मैक्स मुलर ने इसको अस्वीकार कर दिया था। डिंग डोंग घंटे की ध्वनि को कहते हैं, घंटे की झंकार के आधार पर इसका नाम पड़ा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि किस वस्तु को देखकर क्या ध्वनि मस्तिष्क में झंकृत हुई होगी, कैसे किसको कैसे प्रमाणित मान लें कि सबसे पहले कौन सी ध्वनि निकली होगी। प्रत्येक व्यक्ति की मस्तिष्क में पृथक पृथक ध्वनियाँ झंकृत हुई होगी तो इसका मतलब कि एक ध्वनि के लिए पृथक पृथक शब्द निर्धारित किए हुए होंगे और एक वस्तु के अनेक नाम पड़ेंगे, तो ये सिद्धांत मान्य नहीं है। अगली आलोचना यह है कि यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है कि रहस्यवादी संबंध है, शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है न कि स्वाभाविक। संकेत के आधार पर व्याकरण यह कहता है कि यह भाषा विज्ञानी कहता है कि शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध होता है, स्वाभाविक नहीं होता। अतः यह मत अस्वीकृत होने पर भी रोचकता के लिए प्रचलित है, केवल इसकी चर्चा की जा सकती है, ये रोचक है मज़ेदार है, बाकी ये मत अस्वीकृत हो गया। इस प्रकार रणन सिद्धांत या भाषा की उत्पत्ति में जो रणन सिद्धांत या नहीं रणन सिद्धांत भी और डिंग डोंग सिद्धांत, ये दोनों अनुकरण सिद्धांत जिसको कहा गया, रणन सिद्धांत कहा गया और संकेत सिद्धांत कहा गया, ये दोनों के दोनों बेकार हो गए। इससे आगे के सिद्धांतों के बारे में बात हम करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।